ये है एक डायमंड जिसे अभी तक काटा और पॉलिश नहीं किया गया है, और ये है फिनिश प्रोडक्ट। ओह माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल। एक भाई बहुत पुरानी कहावत है कि डायमंड जो होते हैं ना लड़की के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, पर सोचो अगर आपके पास एक बेस्ट फ्रेंड होती जो लड़की है और जिसके पास इतने सारे डायमंड्स हैं, तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये है हमारी न्यू बेस्ट फ्रेंड पूजा। पूजा कितना अच्छा लग रहा है आपको आपसे मिलके। आज से आप हमारी बेस्ट फ्रेंड है। और ये इसलिए है क्योंकि पूजा जी जो है ये एक्यूरेट डायमंड्स में काम करती हैं, और इनके हाथ में इस समय और आसपास ऐसे कई हीरे हैं जिनकी कीमत पूछ नहीं जा सकती। नेवर माइंड, ये आप पकड़िए, मेरे को बताया कि दिल्ली और पूरिया तो मेरा बहुत नुकसान हो गया। मतलब आपको बता नहीं सकती ये जगह क्या है, टॉप सीक्रेट है, यहाँ पे सब जगह देखो डायमंड ही डायमंड है। लेकिन हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि सूरत जो है, हमने आपको अर्लियर पोस्ट में बताया था कि 90% से ज्यादा दुनिया के जो डायमंड है वो घूमते घामते सूरज आते हैं कटने के लिए और चमकने के लिए। हो सकता है मैं रॉकी को भी यहाँ छोड़ दूँ, हो सकता है मतलब अगर पत्थर को इतना सुंदर बनाते हैं तो चांस है कुछ। दो महीने बाद आप वापस आएंगे तो एक ऋतिक रोशन और दो टाइगर श्रॉफ मिलेंगे आपको मेरी जगह। क्या बात है। लेकिन फिलहाल पूजा जी से बात करते हैं, हम बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं बीच में। अच्छा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो पूजा जी, ये 90% डायमंड्स दुनिया के सूरत आते हैं पॉलिश होने के लिए, इज दिस ट्रू? ऐसा क्यों? यहाँ पे जितना यहाँ पे ही ज्यादातर पॉलिशिंग होती है, कटिंग होती है, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स बिलोंग टू इंडिया ओनली। अच्छा, सो वी डोंट हैव द माइंस इन इंडिया, बट द एंटायर प्रोसेस इज हैपनिंग इन इंडिया। तो पॉलिश और काटना डायमंड को इतना जरूरी क्यों होता है, मतलब इतना अहमियत क्यों दी जाती है? सो तो कहीं भी हो सकता है। वेल, अगर आप एक रॉ डायमंड को देखेंगे, शायद अगर आपने पहले नहीं देखा है तो आपको लगेगा कि ये डायमंड नहीं है, कुछ और ही पकड़ा है, शीशा लगता है बिल्कुल। या इट विल लुक लाइक अ प्लास्टिक या शीशा या हां, तो उसको कटिंग पॉलिश करके इसकी ब्रिलियंस को आगे लाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सूरत में क्या डू यू हैव स्पेशल कारीगर्स? वी हैव एक्सपर्ट्स इन सूरत, एज यू गाइस नो दैट सूरत इज द हब यू नो फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग। बहुत कूल। और कब से, मतलब सूरत में कब से काम चल रहा है डायमंड पॉलिशिंग, कुछ आइडिया है आपको? सूरत की डायमंड इंडस्ट्री मिनिमम 70-75 इयर्स पुरानी है। करीबन 70-80 साल पहले यहाँ पे लोग पॉलिशिंग और कटिंग के लिए आते थे, और हमारी कंपनी अराउंड 40-45 इयर्स पुरानी है। तो आप एक्यूरेट डायमंड्स में, यू आर ओनली कटिंग एंड पॉलिशिंग डायमंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड? यस। तो जब आप काटते और पॉलिश करते हैं तो इसके अंदर क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं आप? डायमंड और कटिंग का इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि डायमंड का एक छोटा सा भी पीस अगर कट जाता है बाय मिस्टेक तो हम बहुत सारा पैसा घुमा सकते हैं उसमें। सो वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट वी आर कटिंग इन द राइट वे एंड वी आर गिविंग इट द बेस्ट शेप एंड पॉलिश। वाह, इतना तो हमारे को भी आता है। देखो, मैं आपको ABCD सिखाता हूँ उसकी। डायमंड के ना 4 C होते हैं जिससे अच्छा डायमंड और जिससे ग्रेडिंग होती है, कलर, कट, कैरेटेज एंड क्लैरिटी। जो कटिंग होती है वो एक्सपर्टीज, वो जो मास्टर होता है वो समझते हैं कि अलग अलग जो पत्थर होता है, जो डायमंड होता है, रफ डायमंड, उसको कौन से वाले कट से काटना है, कौन से एंगल पे काटना है ताकि उसमें जो चमक है और जो आपको फायर देता है और सिंटिलेशन देता है वो सबसे कौन सी अच्छी हो। पहले काटने और पॉलिशिंग से एक्सपर्टीज के पहले आपको चाहिए समझ कि कौन से वाले पे क्या काम चलेगा। जैसे ये वाले रफ डायमंड है, मैं आपको बता सकता हूँ, इनको बहुत सारी सोटियों से मारो तो मतलब ये इम्प्रूव होंगे। यस, या बिल्कुल। पर हाँ, आप एक बड़ा सा रफ डायमंड लेंगे, उसमें से कई पीस कटने के बाद एक पॉलिश डायमंड आपको मिल जाएगा एंड में। तो इससे सिर्फ वैल्यू बढ़ती है उसकी। और आपके, मैंने देख रहा हूँ, बहुत कंप्यूटर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स हैं यहाँ पर। पुराने जमाने में ये सब नहीं होता था। तो जैसे हमारा कोहिनूर था जो इंग्लैंड की क्वीन ले गई चोरी करके, कोई भी ले गया, आपने पता नहीं कौन था, तो उसको अभी आप अगर काटे तो उससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं काम, या बहुत ज्यादा अच्छा काम होगा? आई थिंक वो मॉडिफाई होता रहता है somehow, it's not that we are aware of it all the time, but I think it's already so beautiful that it doesn't need any change. But modern equipment के साथ diamonds को polish करना और काटना, is that easier now या पहले ज्यादा आसान था? It's definitely more easier now because now we have machines who tell you
how to cut them and how to polish them, and they give you the best price as well. बट इसमें जो जो आपका होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर ध्यान से फिर से देखिए कितना सुंदर है. नॉर्मली आप चीज कुछ बना रहे हैं, अगर आप कपड़े बना रहे हैं कुछ हो रहा है तो उसमें वेस्टेज हो रही है, तो मतलब आपको ज्यादा टेंशन नहीं होती कि चलो एक गलत काट दिया ये वाला फेंक दो. बट आप कैसे इंश्योर करते हैं कि मतलब ऐसी जो इतनी कीमती चीज है उसमें ऐसी गलतियां ना हो. और मतलब वैसे तो है ये बिल्कुल आर्टिजनल काम हाथ का, पर अब इसमें टेक्नोलॉजी भी आ गई है, कंप्यूटर्स भी आ गए हैं. So they plot and plan everything when you get the rough diamond in your hand. Achha. The next thing is that you need to plan how you are going to make the best stone out of it. But diamond mein ek problem aaya hai Pooja ji, diamonds bahut mehenge hote hain. Jaise ye diamond jo hai ye bahut khoobsurat pink diamond jisko hum dekh rahe hain, ye bari bari bahut khoobsurat diamond hai. That's a natural pink color. Natural pink color diamond. Ye kitne ka hoga takriban, iska price kya hoga? Well, aap pooch rahe hain to it should be around 10 crores. अच्छा दिल्ली के बायर्स हैं तो वो भी मतलब अगर मैं बोलता कि वाला मैं शेख हूँ अरब से, मेरे पास पेट्रोल डॉलर है, तो मतलब ये 100 करोड़ का भी बना सकते हैं. वेरी गुड. सो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट. मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछा है दैट एट एक्यूरेट डायमंड्स यू विल गेट अ फेयर प्राइस फॉर थिंग. And a lot of thought and small artisanal setup. आपकी promotion भी कर रहा हूँ ना, marketing भी कर रहा हूँ. नहीं आप ऐसे thank you मत बोलिए, बस मैं ये लेके मैं जा रहा हूँ, आप बात करो. Okay bye. तो यहाँ पर हो रही है cutting और polishing diamonds की. हमारे पीछे आप देख रहे हैं बहुत लोग लगे हुए हैं, very experienced people. ये मतलब कारीगरी जो है ये सबके बस की नहीं है, और इसलिए सारी दुनिया सूरत आती है, क्योंकि सूरत के diamond cutters जो है दुनिया में finest माने जाते हैं, which is true. पर ये पूजा जी बहुत महंगे diamonds हैं, कुछ सस्ता डायमंड मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए. आपको जो रेंज चाहिए मिलेगा, फ्रॉम इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम 50K टू 50 लाख. मतलब रियल, वो तो रियल नेचुरल डायमंड. अभी हमने सुना है कि अब मतलब लैब में उगाए जाते हैं, साइंस के थ्रू उगाए जाते हैं. देयर आल्सो डायमंड फेक नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है. नहीं बिल्कुल नहीं बोलेंगे हमको फेक नहीं है, पर वो लैब में होते हैं, ह्यूमन है, तो उनकी वैल्यू सेम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है. देखो मालूम है लैब के हिसाब से उसकी वैल्यू नेचुरल स्टोन से अराउंड 80% कम होती है. ओके, तो 80-85% डिपेंड्स ऑन द मार्केट. और कंपैरिजन में मतलब जैसे कट क्लैरिटी कलर जो आप बोल रही थी वो सिमिलर रहे हैं, लेकिन प्राइस 80% डाउन. प्राइस विल बी अराउंड 75-80%. तो डायमंड ट्रेड में बहुत उतार चढ़ाव इस समय हो रहा है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर पाते तो फिर से सोच लीजिए, क्योंकि आप लैब मेड डायमंड्स जो बिल्कुल वैसे ही जैसे नेचुरल डायमंड्स आपको 80% लेस मिल जाएंगे, यानी कि वो जो 10 करोड़ का हीरा था आपको सिर्फ 2 करोड़ में मिल जाएगा. भाई साहब आपके डैडी का 2 BHK बेचने के लिए तैयार है ना, मैंने सुना है. आप बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हर टेबल पे आप देखेंगे शाम को जब चेकआउट हो रहा होगा तो लोग बड़े कंफ्यूज होंगे कि सारे टेबल से एक या दो या तीन जो है वो निकल गए. तो मतलब आप प्लीज अगर आप बातें करना चाहते हो करें. मैं जिस चीज के लिए आया था मुझे मिल गई,